उत्तर प्रदेश विधानसभा के 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र का मंगलवार को आगाज हुआ। इस सत्र में सरकार ने विपक्ष के सवालों पर माकूल जवाब देने की रणनीति बनाई है, तो विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है, जिसका अंदाजा सत्र के पहले ही दिन लग गया। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कराने की भी कवायद करेगी, जिसका जिक्र करते हुए नेता सदन सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील भी की। उठाए जाने वाले हर प्रश्न का जवाब देने को सरकार तैयार है, पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर सभी लोग मौजूद रहेंगे। मैं इस अवसर पर विश्वास करूंगा कि हमारे विपक्षी दलों के माननीय सदस्य भी सदन की इस गरिमा को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हंगामे के भी पूरे आसार है। नई नियमावली के तहत शुरू हुए सत्र में विपक्षी दल ने विरोध का भी नया तरीका निकाला है। मंगलवार को सपा के तकरीबन सभी विधायक काले कपड़ों में विधानसभा पहुंचे, तो यूपी के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस घटना की निंदा की। लोकतंत्र में इतनी मर्यादा तो रहनी चाहिए कि जब पूरा सदन शोकाकुल हो, शोक प्रस्ताव के ऊपर लोगों को अपने विचार रखने थे, स्वयं नेता सदन से लेकर सभी दलीय नेताओं ने भी अपने अपने विचार रखे, लेकिन उस समय इस प्रकार का प्रदर्शन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उचित नहीं था कि उसमें से ज्यादातर लोग काले कपड़े पहनकर उन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की कि हम विरोध प्रदर्शन कर रहा हूं। कम से कम मृत आत्माओं के प्रति तो इतना सम्मान तो होना ही चाहिए। शब्दों से सम्मान नहीं होता, केवल आचरण से भी सम्मान होता है। दूसरी तरफ सत्र के शुरू होने से पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार सवालों से भाग रही है, यही वजह है कि सत्र को 4 दिन का समय ही दिया गया है, और यही बात सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने भी दोहराई। सरकार इतने कम समय के लिए जो ये सेशन चला रही है, इसका मतलब सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार दे, इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, इसी से जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उनके बारे में जनता को आखिरकार सरकार क्या कर रही है सुनने को मिलेगा। ये जनता के सवालों से सरकार भागना चाहती है, इसीलिए इस सत्र का समय बहुत कम रखा गया है। देखिए, सत्र से भाग रही है सरकार, सत्र से भाग रही है सरकार, और देखिए अभी तक 76% बजट खर्च नहीं कर पाएगा, और जितनी भी समस्याएं हैं जैसे स्वास्थ्य संबंधी हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं से सरकार भाग रही है। हम लोग चाहते हैं कि सत्र लंबा चले और ये सरकार भाग रही है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में कोई खास कार्रवाई नहीं हो सकी, क्योंकि सत्र के पहले दिन सदन में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप के उद्घाटन के लिए जाना था। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बुधवार को सदन में क्या कुछ हंगामा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर की यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।